हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल सस्वी विद्यालय में। साथियों, अभी हम लोग बात करेंगे प्री पोजीशन की। तो सबसे पहले बता दें प्री पोजीशन के बारे में। तो आपके प्लिथ टू पैरामाउंट बुक में जितने भी प्री पोजीशन का थ्योरी पार्ट दिया गया, उन सारे थ्योरी पार्ट को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेक कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस वाले पार्ट की। तो क्वेश्चन आपके दो पार्ट में दिए गए इस बुक में। सबसे पहला है एरर और दूसरा है फिलर्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो अभी हम लोग सबसे पहले कर रहे थे एरर्स को, और एरर्स में भी एक से लेकर 32 तक के सवाल को हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे साथ ही क्वेश्चन नंबर 33 से, और कहां तक पहुंचेंगे तो आपके पूरे एरर वाले सेगमेंट में मतलब 62 तक के सवाल दिए गए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से शुरुआत करेंगे और 62 तक के सवाल को करेंगे, बात क्लियर। और फिर अगले पार्ट में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्री पोजिशन बिना समय गवाए। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है और आपके टॉपिक का सवाल नंबर है 33, उसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें कहां एरर है। देखिए क्वेश्चन है साथियों कि ही वाज डिबेरेड टू अटेंड द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। यही आपका क्वेश्चन नंबर 33, इसमें गलती कहां है? तो देखिए ये एक वर्ड है डिबेरेड, बात क्लियर। ये एक वर्ड है डिबेरेड। देखिए ये जो वर्ड है साथियों डिबेरेड, इसके साथ कंडीशन ये है कि ये इसके साथ टू नहीं होता, बल्कि इसके साथ फॉर्म का यूज करते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ हम लोग बीफोर यूज करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ डिबेरेड टू अटेंड, इसके जगह पर हमें क्या लिखना होगा? डिबेरेड फ्रॉम और साथ ही साथ बीफोर, यानी अटेंड के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? अटेंडिंग। तो डिबेरेड टू अटेंड को कट करिए यहां पर, और इसके जगह पर आपको क्या लिखना होगा? डिबेरेड फ्रॉम अटेंडिंग, बात क्लियर। चलिए इसको सही करके पढ़ते हैं हम लोग एक बार, कि ही वाज डिबेरेड फ्रॉम अटेंडिंग द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 33 था, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बात क्लियर। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 34, कि वी विल हैव टू अवेट फॉर द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज ऑन स्ट्राइक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। देखते हैं साथियों इसमें गलती क्या है। देखिए यहां जो लिखा हुआ अवेट फॉर, ठीक है, तो इसके साथ हम लोग ये जो लिखा हुआ अवेट फॉर, ठीक है, इसके जगह पर हम लोग अवेट फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वेट फॉर का प्रयोग होगा, बात क्लियर। यहां जो अवेट फॉर लिखा हुआ है, इसके जगह पर हमें क्या लिखना होगा? वेट फॉर, बात क्लियर। ए वेट फॉर नहीं होगा, बल्कि वेट फॉर होगा यहां पर, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 34 था, ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत जगह देखिए क्या लिखा होगा, अवेट फॉर के जगह पर बहुत जगह वेट टू भी लिखा रहेगा, ठीक है, तो वेट टू का भी प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, बात क्लियर। वेट फोर का भी प्रयोग नहीं होगा, वेट टू का भी प्रयोग नहीं होगा। वेट जो अपने साथ प्री पोजिशन फोर लेता है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग वेट फोर ही सही होगा। तो इसको सही करके एक बार पढ़ते हैं कि वी विल हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज ऑन स्ट्राइक, बात क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 34 था, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 35, ही शुड रिफ्रेन टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद एनी पार्टी बिकॉज पीपुल हैव फेथ इन हिज इंटेग्रिटी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं साथियों इसमें एरर कहां पर है, ठीक है, कहां पर गलती है। अब देखिए एक वर्ड है रिफ्रेन, ठीक है, एक वर्ड है रिफ्रेन, ये अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर्म लेता है, ठीक है। ये जो वर्ड है रिफ्रेन, देखिए करना क्या है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन देख के यहां से नहीं निकलना, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट आपको याद करके जाना है, ठीक है। तो रिफ्रेन अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? रिफ्रेन जो वर्ड है वो अपने साथ कभी भी टू प्रीपोजिशन नहीं लेता, बल्कि फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है। तो टू के जगह पर हमें क्या लिखना होगा? फ्रॉम, बात क्लियर। ये जो रिफ्रेन था, इसके ये अपने साथ क्या लेता है? फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है। तो इसको देखिए सही करके मैं पढ़ता हूं कि ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम एसोसिएट हिमसेल्फ विद एनी पार्टी बिकॉज पीपुल हैव फेथ इन हिज इंटेग्रिटी। तो ये आपका अब सही हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 35 था, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है साथ ही क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि द सॉन्ग्स ऑफ द ओल्ड मूवीज आर वर्थ लिसनिंग टू। अच्छा सवाल है, छोटा है सेंटेंस, लेकिन अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें गलती क्या है? देखिए वर्थ लिसनिंग के बाद हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते, बल्कि लिसन के बाद हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, बात क्लियर। तो यहीं पर गलत है आपका। ये जो वर्थ लिसनिंग है, तो इसके बाद हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते, लिसन के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लिसन और वर्थ लिसनिंग ये अलग अलग है, ठीक है। तो अगर कहीं लिसन लिखा रहे तब उसके साथ वो साथ हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर कहीं वर्थ लिसनिंग रहे, ठीक है, तो ये वाले पार्ट के साथ, ये वाले वर्ड के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बस यहीं पर आपका था एरर। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 36 था, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बात क्लियर, समझ में आया होगा। तो लिसनिंग और लिसन और वर्थ लिसनिंग में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है साथ ही क्वेश्चन नंबर 37, कि इट शुड बी ऑब्वियस टू यू दैट इफ यू प्रेसिस्ट बोदरिंग हिम ही विल गेट एंग्री विद यू।
अब गलती कहाँ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 37 में इसमें गलती ये साथियों, एक वर्ड यूज हुआ इसमें प्रेसिस्ट, इसके बारे में समझिए। ये जो प्रेसिस्ट वर्ड है ठीक है क्वेश्चन नंबर आपका 37 में, ये अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेता है। बात क्लियर, ये जो प्रेसिस्ट वर्ड है ये अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेता है, ये अकेले यूज इसका नहीं करते। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इफ यू प्रेसिस्ट इन बोदरिंग हिम। बात क्लियर, तो प्रेसिस्ट के साथ हम लोग इन का प्रयोग करेंगे ठीक है, प्रेसिस्ट इन का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 37 इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला साथ है क्वेश्चन नंबर 38 कि आई सर्टेनली डिफर विद यू इन दिस मैटर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38, देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा, किसमें इरर है। फिर से रिपीट करते हैं कि आई सर्टेनली डिफर विद यू, देखिए डिफर विद ये सही है, इन दिस मैटर कोई दिक्कत नहीं था, आपको चेक ये करना था, यहां बिल्कुल सही है। अगर आपका सेंटेंस सही है तो आपका नो इरर जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा साथियों कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर आप अगर ये डिसीजन लेते हैं कि वो नो इरर है तो उसको कोशिश करें कि 2-3 बार आप रीड कर लें। बात क्लियर, तो ये तो नो इरर था चलेगा, लेकिन बहुत बार होता है कि किसी में इरर होता है तब भी आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है वो जो सेंटेंस है वो नो इरर है ठीक है, सबके साथ ऐसा होता होगा। तो उसमें क्या करें कि जब भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कोई भी किसी भी सेंटेंस में नो इरर है, तो नो इरर होने के बावजूद आप 2-3 बार और उसको रीड करें ठीक है। फिर भी अगर कुछ ना पता चले, लगे कि सारा कुछ सही है, सही मामला चल रहा है, तब नो इरर आप टिक करेंगे। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 38 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है कि ही हैड अ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर सो ही वाज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39, देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन क्या होगा, मतलब इसमें किस वाले सेगमेंट में इरर है देखते हैं। देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है इसमें एडमिटेड वर्ड यूज हुआ है ठीक है, और एडमिटेड के बारे में आपको पता है कि एडमिटेड अपने साथ प्रीपोजिशन इनटू नहीं लेता बल्कि टू का प्रयोग होता है ठीक है, इनटू को आपको काटना होगा और एडमिटेड के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, टू। बात क्लियर, एडमिटेड टू होता है साथ में, एडमिटेड इनटू नहीं होता। बात क्लियर, अब देखिए सही करके एक बार पढ़ते हैं कि ही हैड अ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर सो ही वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। अब ये क्लियर हो गया होगा, अब ये सही है। अगला साथी है क्वेश्चन नंबर 40 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि इफ यू पुट योर हर्ट टू इट यू विल बी अ विनर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 40 इसमें गलती क्या है। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर कहीं भी आपका फ्रेज दिखे ठीक है, कहीं भी आपको फ्रेज दिखे तो उसके साथ आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, उसमें कोई रूल लगता ही नहीं है, वो फ्रेज है तो है। तो वही एक फ्रेज यहां पर यूज हुआ है, पुट योर हर्ट इन टू इट ठीक है, पुट योर हर्ट इन टू इट होता है, इसमें कोई हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ जो टू लिखा हुआ है, टू के जगह पर हमें क्या लिखना होगा, इन टू ठीक है, टू को यहाँ कट करिए, इसके जगह पर आप लिख दीजिए इन टू। अब ये आपका एक फ्रेज सही बन गया कि पुट योर हर्ट इन टू इट। अब जानते हैं ये जो लिखा हुआ है पुट योर हर्ट इन टू इट इसका मतलब क्या होता है, ये जो एक फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो इसका मतलब होता है साथियों, मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है किसी चीज में मन लगाना है ना, किसी चीज में मन लगाना। तो वही लिखा हुआ है कि इफ यू पुट योर हर्ट इन टू इट यू विल बी अ विनर, मतलब आप विजेता बन सकते हैं, विनर बन सकते हैं अगर आप किसी काम में मन लगाएं तो। बात क्लियर, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 40 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला साथ है क्वेश्चन नंबर 41, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ही वॉक्ड 10 माइल्स बाई फुट। अब देखिए बाई फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है ये, तो मतलब इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, मतलब जिस तरीके से करना आप कर लीजिए। बाई फुट ये बहुत जगह पर यूज होता है, बाई फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है ठीक है, हमेशा ऑन फुट मतलब क्या होता है, पैदल चलना, अगर कहीं भी पैदल चलने की बात हो रही है तो ऑन फुट। बात क्लियर, तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 41 था इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है कि ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। देखिए समझते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है इसमें इरर कहां है, मतलब इरर किस वाले पार्ट में, चेक करते हैं ठीक है। फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 कि ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। देखिए साथ यहां पर लिखा हुआ है गुड इन मैथमेटिक्स, और आपको पता होना चाहिए ये जो गुड वर्ड है ठीक है, ये अपने साथ प्रीपोजिशन एट लेता है ठीक है, गुड एट होता है ना कि गुड इन होता है। फिर से रिपीट करते हैं, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स होगा ठीक है, गुड इन मैथमेटिक्स नहीं होगा। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 42 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 ये भी अच्छा सवाल है कि दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ। देखिए यहीं पर गलती है आपका, सेंसिटिव ऑफ नहीं होता, सेंसिटिव जो वर्ड है वो अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है ठीक है, सेंसिटिव जो वर्ड है साथियों
वो अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। देखिए ये सब याद करते चलना होगा आपको, सेंसिटिव टू, ठीक है, गुड एट, ये सब ध्यान में रखते चलना होगा कहाँ पर हम किस वर्ड के साथ है ना किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ये सारा जो वर्ड है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 44 कि विच न्यूज पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो साथियों सब्सक्राइब फॉर नहीं होता बल्कि सब्सक्राइब जो वर्ड है वो अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। बात क्लियर, सब्सक्राइब जो वर्ड है वो अपने साथ प्रीपोजिशन कौन सा लेता है, टू। तो आपको ये ध्यान रखना सब्सक्राइब टू होता है ना कि सब्सक्राइब फॉर। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 44 था इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि विदाउट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। ये है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें गलती कहां है। देखिए सबसे पहले समझिए इसमें यूज क्या हुआ है, इसमें यूज हुआ है इन टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन टाइम का मतलब क्या होता है, ऑन टाइम का मतलब क्या होता है। दो चीजें होती है, इन टाइम और ऑन टाइम। देखिए ऑन टाइम अगर कहीं लिखा रहे तो उसका मतलब होता है ठीक समय पर, बात क्लियर। लेकिन अगर इन टाइम कहीं लिखा रहे तो उसका मतलब होता है समय से, ठीक है। अब देखिए यहां एग्जैक्टली लिखा हुआ, तो यहां से एग्जैक्टली जो लिखा हुआ तो एग्जैक्टली के साथ हम लोग इन टाइम का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जैक्टली के साथ हमें ऑन टाइम का प्रयोग ज्यादा सही लगेगा, बात क्लियर। ऑन टाइम मतलब एकदम टाइम पर, ठीक समय पर। तो अगर एग्जैक्टली वर्ड यूज हुआ है तो वहां पर इन टाइम का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑन टाइम का प्रयोग करेंगे, बात क्लियर। तो यहां इन नहीं लिखेंगे, इनके जगह पर ऑन लिख देंगे। चलिए इसको एक बार सही करके पढ़ते हैं कि विदाउट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम, इन टाइम नहीं ऑन टाइम। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 45 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि डिस्पाइट ऑफ, बस यही गलती है। मैं आपको बहुत, मैं इसके पहले वाले पार्ट में भी आपको बताया था कि इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। एक होता है इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, तो इंस्पाइट के साथ ऑफ का हम लोग प्रयोग करते हैं लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करते, बात क्लियर। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग हम लोग नहीं करते, और ये बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। बहुत बार होगा क्या कि इंस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करेगा और डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग कर देगा। तो ये यहां पर अवेयर रहना, थोड़ा यहां पर फोकस रहना है। डिस्पाइट अकेले आता है और इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, तो यहां ये गलत है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 46 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि इट इज माय प्लेजर टू कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 47, इसमें गलती कहां पर है साथियों। देखिए ये एक वर्ड है कंग्रेचुलेट, इसके बारे में समझिए। ये जो वर्ड है कंग्रेचुलेट, ये अपने साथ हमेशा, ठीक है, ये अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। ये जो वर्ड है कंग्रेचुलेट, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, ये अपने साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज लेता है, बात क्लियर। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 47 था इसमें बी वाले सेगमेंट में एरर था और वही आपका सही आंसर हो जाएगा, बात क्लियर। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 48। आई विल एवेल माइसेल्फ विद दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। समझते हैं साथियों ये जो क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है इसमें गलती कहां पर है, ठीक है, कहां पर एरर है। अब देखिए एक वर्ड आपने सुना होगा एवेल, ठीक है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ठीक है। ये जो वर्ड है ये अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ठीक है। देखिए यहां पर एवेल के साथ ऑफ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। साथ ही साथ कहां पर ऑफ का यूज करेंगे वो भी समझिए। एवेल के तुरंत बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि अगर माइसेल्फ वगैरह लिखा हुआ तो उसके बाद एवेल माइसेल्फ ऑफ होता है, ठीक है। तो इसको देखिए सही करके मैं पढ़ता हूं कि आई विल एवेल माइसेल्फ ऑफ विद दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बात क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 48 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि इट इज 2:30 इन माई वॉच। देखिए ये समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए कैसे अच्छा सवाल ये, यहाँ जो इन माई वॉच लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ इन माई वॉच नहीं होता साथियों, बाई माई वॉच होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 49 था यहाँ पर इन माई वॉच नहीं होगा बल्कि बाई माई वॉच होगा। इट इज 2:30 बाई माई वॉच। ऐसे क्वेश्चन को मतलब स्टार लगा लीजिए, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम लोग इसको एरर करते हैं, बाई माई वॉच, क्लियर। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 50 की सी कैन कोप अप विद एनी डिफिकल्ट सिचुएशन एज सी इज अ ब्रेव हार्ट। देखिए यहाँ पर गलती कहाँ है, ये जो लिखा हुआ है साथियों कोप अप विद, यहीं पर आपका एरर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझिए कोप अपने साथ विद प्रीपोजिशन लेता है, कोप विद का प्रयोग यहां पर करेंगे, ठीक है। कोप जो है इसके साथ हम लोग विद का प्रयोग करते हैं और इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए।
कोप विद का मतलब होता है टू हैंडल, है ना। कोप विद का मतलब क्या होता है, किसी को हैंडल करना, इसका जो मीनिंग होता है वो मतलब टू हैंडल होता है, ठीक है, किसी को हैंडल करना। तो देखिए इसको मैं सही करके पढ़ता हूँ कि सी कैन कोप विद एनी डिफिकल्ट सिचुएशन एज सी इज अ ब्रेव हार्ट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 50 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 51 कि रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार। गलती कहां पर है, गलती यहां पर है टोल्ड के साथ टू का प्रयोग हम लोग नहीं करते, ठीक है। कभी भी टोल्ड हो, टेल हो, टेल्स हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ टू का प्रयोग होता ही नहीं है, ठीक है। ये जो टोल्ड है वो अकेले होता है, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड, ये होगा यहाँ पर, टू का प्रयोग यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते। टू को यहाँ से आप कट कर दीजिए, अब ये सेंटेंस जो है आपका सही हो गया। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 51 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी टॉपिक का एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसका एकमात्र मकसद होता है, एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारा वो टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, और उसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग प्रीपोजिशन टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो अगर आप कंप्लीट प्रीपोजिशन टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है, तो आपका मतलब अगर कभी भी आपके एग्जाम में प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी सवाल आते हैं तो आपका क्लिक करना चाहिए, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तब समझिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है साथियों। तो इसका आप ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आते जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखते जाएंगे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि ही इज एक्यूज्ड विद, देखिए ये जो वर्ड है साथियों ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत बार लोगों को फंसाता है। ये जो वर्ड है एक्यूज्ड, ये अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है ना कि विद लेता है। विद को आप कट करेंगे और इसके साथ ऑफ लिखेंगे, एक्यूज्ड ऑफ। मैं इसको सही करके पढ़ता हूं कि ही इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द मर्डर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 52 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन। इसमें गलती क्या है, देखिए गलती है डिस्क्राइब्ड के साथ, डिस्क्राइब्ड के साथ हम लोग अबाउट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा हुआ डिस्क्राइब्ड, इसके साथ हम लोग अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको सिंपली आप कट कर दीजिए, ठीक है। ये सुपरफ्लस बना देता है, मतलब ये गैर जरूरी होता है अबाउट, ठीक है, अबाउट को आप हटा दीजिए। अब ये सही हो गया कि द पोएट डिस्क्राइब्ड द स्प्रिंग सीजन, अब ये सही हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 53 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 54 कि द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ मेनी इनर्ट गैसेस आल्सो। देखिए ये सवाल पहले भी आ चुका है, ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो पहले भी आ चुका है। आपको पता है कि ये जो वर्ड है कंप्राइजेज, ठीक है, ये जो वर्ड है साथियों कंप्राइजेज, इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं होता, ठीक है। कब नहीं होता वो भी मैंने पहले बताया था कि अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में हो, ठीक है, अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में हो तब जो ये वर्ड है कंप्राइज, इसके साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ मेनी इनर्ट गैसेस आल्सो, ये किसमें आपका, ये आपका एक्टिव वॉइस में, ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस में। अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो इसके साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। सेम सवाल पहले आया था, अगर आपने उस वक्त ये कॉन्सेप्ट को याद कर लिया होगा, ठीक है, ध्यान में रखा होगा, तो ये सवाल आपसे आसानी से बना होगा। अगर वहां पर आप मतलब इग्नोर कर दिए होंगे उसे, तो ये सवाल में आपको दिक्कत हो रही होगी। तो बस मैं आपको यही हर बार मैं यही कहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप छोटा ना समझे, बड़ा ना समझे कि ये तो याद हो जाएगा, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करते जाएं, याद करते रहें, रिविजन करते रहें, तभी कुछ होने वाला है। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 55 के, वी डिस्पोज्ड ऑफ आवर ओल्ड फर्नीचर बिफोर मूविंग टू मुंबई। ठीक है, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है वो समझिए साथियों, ये जो वर्ड है डिस्पोज्ड, ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है इसके साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, ये जो ओ डबल एफ लिखा हुआ है इसका नहीं करते, बल्कि ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है, ओ डबल एफ का यूज नहीं करेंगे, ओ एफ का यूज करेंगे, ठीक है। डिस्पोज्ड ऑफ होता है, डिस्पोज्ड ऑफ नहीं होता, ठीक है। तो वी डिस्पोज्ड ऑफ आवर ओल्ड फर्नीचर बिफोर मूविंग टू मुंबई, ये आपका सही है। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 55 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल है साथियों कि ही वाज ब्रेफ्ट फ्रॉम ऑल हिज पोसेशन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं इसमें गलती कहाँ है, ठीक है। देखिए गलती यहाँ पर, ये जो वर्ड है ब्रेफ्ट, ठीक है, इसके साथ हमेशा कभी भी फ्रॉम वगैरह का यूज नहीं होता, इसके साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, आप याद कर लेंगे इसे, ब्रेफ्ट ऑफ, ठीक है, ब्रेफ्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का ही यूज हम लोग करते हैं। क्लियर, तो ही वाज ब्रेफ्ट ऑफ ऑल हिज पोसेशन, ये सही रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 56 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आ गया होगा, तो ध्यान में रखेंगे ब्रेफ्ट ऑफ। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 57 कि ही असेंटेड ऑफ माय प्रपोजल एज इट वाज वेरी अट्रैक्टिव। देखिए फिर से एक वर्ड आया, ये बहुत ही शानदार वर्ड है असेंटेड। ये जो वर्ड है साथियों असेंटेड, ये अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, ठीक है, इसके साथ कभी भी ऑफ वगैरह का प्रयोग नहीं करते हम लोग,
असेंटेड टू होता है, असेंटेड ऑफ नहीं होता, ठीक है। चलिए सही करके मैं पढ़ता हूं कि ही असेंटेड टू माई प्रपोजल एज इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो आपको यहां से क्या क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 57 से कि असेंटेड वर्ड के साथ टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 58 कि अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वांट्स द विजिटर्स टू बीवेयर अबाउट बियर्स। देखिए बस यहीं पर गलती है, ये जो वर्ड है साथियों बीवेयर, ये अपने साथ अबाउट कभी नहीं लेता, ठीक है। बीवेयर के साथ हम लोग जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो है ऑफ, बीवेयर ऑफ, ठीक है। तो अबाउट को कट करेंगे, इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग ऑफ, बीवेयर ऑफ। अब देखिए सही करके मैं पढ़ता हूं कि अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वांट्स द विजिटर्स टू बीवेयर ऑफ बियर्स, क्लियर। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 58 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला सवाल है साथियों आपके नीतू सिंह बुक का क्वेश्चन नंबर 59 कि द टीचर वाज टेंस व्हेन ही एंटर्ड द क्लास व्हिच कंप्राइज्ड ऑफ। देखिए फिर से ये वर्ड आया, अभी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कंप्राइज दिखे सबसे पहला काम चेक करिए जो आपका सेंटेंस है वो किस वॉइस में, एक्टिव में या पैसिव में। अगर एक्टिव में रहा तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है द टीचर वाज टेंस व्हेन ही एंटर्ड द क्लास, ये आपका एक्टिव में है, ठीक है। अगर ये एक्टिव में है, ठीक है, तो हम लोग कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तो दो तीन बार रिपीट हुआ ये, तो ऑफ का प्रयोग यहां नहीं करेंगे, ऑफ को यहां कट कर दीजिए, कंप्राइज सिंपली कंप्राइज का यूज हम लोग करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 59 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 60 कि देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ अ प्रीसेस विद रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी विद रिलेशन टू नहीं होता, ठीक है, हमेशा इन रिलेशन टू ही होता है। तो ये जो लिखा हुआ विद रिलेशन टू इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहां पर इन ऐड करेंगे, ठीक है, विद के जगह पर इन रिलेशन टू ही आपका सही होगा। अब देखिए मैं इसको सही करके पढ़ता हूं कि देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ अ प्रीसेस विद सॉरी प्रीसेस इन रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, क्लियर। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 60 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 61 कि ही इज सफरिंग विद फ्लू। अब देखिए ये जो वर्ड है सफरिंग, इसको आप एकदम नोट कर सकते हैं कि ये जो वर्ड है सफर, ठीक है, सफर का कोई भी फॉर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर्म लेता है, ठीक है। सफरिंग फॉर्म होगा, सफरिंग विद नहीं होगा, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सफरिंग है, सफरिंग के साथ फ्रॉम का यूज हम लोग करते हैं, सफरिंग विद कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 बहुत अच्छा था, सफरिंग फ्रॉम होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आपके आखिरी सवाल, जो आपका अंतिम सवाल है प्रीपोजिशन का, एरर वाले टॉपिक का, ठीक है, कि ही वांटेड टू गो टू होम एज ही वाज सिक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है साथियों टू होम, बस यहीं पर थोड़ा सा एरर है। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी गेट हो, अराइव हो, रीच हो, गो हो, कम हो, इसके साथ अगर कोई होम का प्रयोग है, फिर से रिपीट करेंगे कि अगर कभी भी लिखा रहा है गेट, ठीक है, या फिर अराइव, या फिर रीच, या फिर गो, या फिर कम, ये सब वर्ड अगर कभी लिखा रहा है, कभी भी लिखा रहा है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, और उसके तुरंत बाद होम वर्ड का प्रयोग हो, जैसे यहां देखिए यहां क्या लिखा हुआ था, यहां गो लिखा हुआ था, और गो के तुरंत बाद होम का प्रयोग है, तो उसके बीच में नियम ये है, रूल ये कहता है कि अगर ये जो भी वर्ड है इसके और होम के बीच में अगर अगर एक साथ लिखें हम लोग, तो इसके बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। नियम आपका नियम आपसे यही कहता है कि देखिए सिर्फ गो नहीं, गो हो, ठीक है, गेट हो, अराइव हो, रीच हो, कम हो, कुछ भी हो, और उसके साथ हम अगर होम का प्रयोग करते हैं, होम वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ध्यान में रहेगा, ठीक है। रूल को नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रूल था ये, गो होम होगा, गो टू होम नहीं होगा, सिर्फ होम के लिए ये रूल है, क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 62 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं ये पूरा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपका मैंने जितना भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताया वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं साथियों अगले पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, तब तक के लिए तब तक अपना आप ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, जय हिंद।